ये और उमेर क्रूशल मैच लगो, 7 बोले 11 रन, 7 बोले चीख रहे हम लोग, वहाँ बाउंड्री पकड़ो आवाज इसकी भी आ रही उमेर की आ रही। इतने में एस एन शर्वानी के डबल केबिन ने गाड़ी के अंदर ग्राउंड के अंदर एंट्री मारी। एस एन शर्वानी पीछे आके खड़ा हो गया, 7 बोले 11 रन उधर ही पड़े हुए हैं, दोनों खेल रहे हैं, लोग दोनों कैमरे देख रहे हैं सीधे एस एन शर्वानी के पास। तो देखा कराची में कौन सा प्लेयर आपको ज्यादा पसंद है? उसमें पुराने प्लेयरों में मुझे 2-3 अच्छे लड़के लगे थे, अशरफ भाई अच्छे थे और शफी भाई आगा जो पुराने प्लेयरों में अच्छे प्लेयर थे, गुड पर्सन थे, इनको भी अल्लाह ताला इज्जत दे और फॉर्म में आए, मेरी तो विश है कि वो अच्छा खेलते थे पहले, तो अच्छा अभी भी खेलना चाहिए, एफर्ट करें इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, मेरे साथ शफी मौजूद हैं इस बार। टेप बॉल क्रिकेट का एक पुराना, एक कदीम, एक बेहतरीन नाम। शफी भाई सारी बातें मुझे बता रहे थे, मैंने बोला यार इंटरव्यू करते हैं, शफी बता रहे थे मुझे किस किस ने टेप बॉल में चूना लगाया अभी अभी ये शरीफ बन जाएंगे, फौरन बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आज आपसे इनकी बात कराता हूँ, इनसे एक इंटरव्यू कंपाइल करते हैं। मेरी पहली मुलाकात इनसे मुर्तजा हुसैन हानी, 110 स्पोर्ट्स इन्होंने ज्वाइन कर ली है और अब ये वहाँ से खेलेंगे। शफी भाई आप वहीं से यहीं से खेलेंगे अब हमेशा? जी बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, इन्होंने पहले भी बहुत सारी टीमों के लिए यही कहा था, जी यहीं से खेलूंगा, अब ये यहाँ से खेल रहे हैं, फिलहाल तो स्नूकर खेल रहे हैं। हानी भाई के ऑफिस में, 110 के 110 कम्युनिकेशन ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑफिस में मौजूद हूँ और शफी से बात करते हैं। शफी भाई, टेप बॉल क्रिकेट का आगाज किस वक्त किया और क्या उम्र थी जब टेप बॉल क्रिकेट का आगाज किया, कुछ बताइएगा। जी टेप बॉल का आगाज तो मैं एक टाइम मदरसे में होता था, तो असर के टाइम भी हम लोग उधर मदरसे में क्रिकेट खेल रहे होते थे। उस टाइम तो इतना शौक नहीं था, लेकिन जब मदरसा छोड़ा उसके बाद शौक हो गया था। शमी भाई आज आप इतना हंस क्यों रहे हैं, ये बताइए आज आप इतना हंस क्यों रहे हैं, वजह बताइए। कहाँ पर हंसा हूँ यार, आप कब से हंस रहे हो यार? आप बात ही ऐसी कर देते हो कि उस पर हंसी आ जाती है। से व्यवस्था एक इंटरव्यू मैंने शफी भाई का लिया था ना, वो पूरा शफी भाई का इंटरव्यू कंपाइल्ड हो गया था, सारी चीज़ें बन गई थी। एकदम शफी भाई की कॉल है, कह रहा है ओए मेरी बात सुन, वो इंटरव्यू नहीं डालना, मैं दूसरा दूंगा। तो फिर ये 4 महीने बाद दोबारा मुलाकात हो रही है। शफी भाई बी सीरियस, एक वक्त था जब शफी के नाम का डंका पूरे कराची में बजता था, बल्कि पूरे पाकिस्तान में बजता था, और अब थोड़ा सा क्रिकेट में नीचे की तरफ आए हैं, तो कैसा लग रहा है कि किसी ज़माने में शफी ब्रांड बन चुका था और एक खतरे की अलामत बॉलर्स के लिए बनता था, 12-12 छक्कों की इनिंग, 11-11 छक्कों की इनिंग खेला करता था शफी, और अब आपको पता है कि क्रिकेट में ऊपर नीचे आती रहती हैं सारी चीज़ें, तो क्या कहेंगे इस बारे में? उस टाइम पे सोशल मीडिया की जो ये कवरेज थी ये बिल्कुल नहीं थी, तो उस टाइम मेरा उरूज था, यानी कि बहुत अच्छा खेलता था शफी भाई। कराची से मैंने देखा था, एक सईद अकबर होते थे, आप होते थे और बड्डू भाई होते थे, कुछ ही लोग होते थे जो कराची से बाहर इंटीरियर से जाकर खेला करते थे, उनमें से एक नाम आपका था। जी बिल्कुल, उस टाइम पे अच्छे खेल रहे होते थे तो हर कोई बुलाता था। अच्छा, आपने अभी बोला कि कभी कभी प्लेयर आगे वाली टीम से लड़ा होता है और कभी कभार अपने आप से लड़ा होता है, इसको ज़रा डिफाइन कीजिएगा। जी बिल्कुल, जब इंसान उरूज पर होता है तो वो मुखालिफ टीम से लड़ रहा होता है, और जब उससे गेम नहीं होती है यानी कि थोड़ा सा जवाल आ जाता है, तो वो फिर अपने आप से लड़ रहा होता है। आज के दौर में अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे पाकिस्तान में 2 अच्छे बल्लेबाजों का नाम लें, तो आप किसका नाम लेंगे? देखो बल्लेबाज जितने भी है हमारे प्रोफेशनल, जितने भी बड़े लेवल के प्लेयर है वो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन फेवरेट की बात होती है, मेरे फेवरेट में से एक अगर बात करूँ तो असद शाह और बहादुर लेफ्टी है। पूरे पाकिस्तान में से? पूरे पाकिस्तान में से देखो तैमूर मिर्ज़ा, वो हर किसी को अच्छा लगता है, ठीक है, और हर किसी का फेवरेट भी है, उसने इतना परफॉर्म किया हुआ है कि हर कोई उसका ही नाम लेगा। और अगर मैं 2 बॉलर्स की बात करूं तो किसका नाम लेंगे? ऑल ओवर पाकिस्तान में या सिर्फ कराची? बोले पूरे पाकिस्तान से। पहले नंबर पे तो उस्ताद ज़हीर है, ठीक, जो हर किसी के मतलब फेवरेट बॉलरों में से, बिल्कुल। उसके बाद सारे बॉलर एक जैसे है, लेकिन दिन दिन की बात होती है। कराची में फेवरेट बॉलर्स में से कौन एक बॉलर अगर आप चुनेंगे गुज़िश्ता से पेवस्ता, जितने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं इतने अरसे से? बिल्कुल, गुज़िश्ता क्रिकेट में जब उरूज पर थे उस टाइम पर एक ही बॉलर था जो हमें तंग भी करता था और आउट भी करता था, वो है वसीम वसी। ये आप वसीम वसी के दोस्त हैं, मंटन में आ गए इसलिए कह रहे हैं? नहीं नहीं, ये उनको भी पता है कि देखिए असद शाह से भी जब बात हुई थी उसने कहा था यार वसीम वसी एक गुड बॉलर है। उस टाइम पे वो पीक पर होते थे और बहुत अच्छी बॉल गिरती थी उसकी और आउट स्विंग यानी कि उसका बहुत होता था,
अभी भी वो अच्छे बॉलर है लेकिन पता नहीं क्रिकेट नहीं खेल रहे होते, ये समझ से बाहर है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा मजाक करने लगे वसीम आजकल। वसीम भाई मजाक करने लगे ये बता, वसीम भाई मजाक करने लगे जी। ये और उमेर क्रूशियल मैच लगो, 7 बोले 11 रन, 7 बोले चीख रहे हम लोग, बाउंड्री पकड़ो आवाज इसकी भी और उमेर की भी। इतने में एस एन शर्वानी के डबल केबिन ने गाड़ी के अंदर ग्राउंड के अंदर एंट्री मारी। एस एन शर्वानी पीछे आके खड़ा हो गया, 7 बोले 11 रन उधर ही पड़े हुए हैं। वो लोग कह रहे हैं, लोग दोनों कैमरे देखे सीधे से शेरवानी के पास, कराची के सबसे बड़े स्पॉन्सर शेरवानी ग्राउंड में पहुंच गए। हम आपको बता दे एसन भाई, अस्सलाम वालेकुम एसन भाई। ये नाइस टाई सर, नाइस शूज सर, नाइस ट्राउजर सर, एक सेल्फी सर। और शफी भाई आपने ये सुन लिया सारा किस्सा। शफी भाई क्रिकेट में सियासतों का सामना करना पड़ा या नहीं? यार अक्सर जगह आजकल की क्रिकेट में यही होता है। नहीं, आपको क्रिकेट में सियासतों का सामना करना पड़ा या नहीं? यार हमारे टाइम पे तो ये चीजें नहीं थी। ठीक है, ये इन्होंने एक मिला जुला सा रुझान वाला जवाब दिया शफी भाई ने। इसके बारे में क्या कहते हैं कुछ मालूम नहीं कि सियासतें हैं या नहीं, क्योंकि होती हैं, अमूमन होती हैं, हर चीज़ में होती हैं, इससे इसमें कोई दो राय नहीं है। शफी भाई, बुरा वक्त क्रिकेट का वो कैसा भारी पड़ता है बैट्समैन के ऊपर? बैट्समैन के ऊपर तो बुरा वक्त जब भी आता है तो वो हमेशा यही सोचता रहता है कि बस मेरी क्रिकेट ख़त्म हो गई है, अब मैं नहीं खेल पाऊंगा। यही तो मैंने पहले आपको बोला था कि जब बुरा वक्त आता है तो इंसान अपने आप से लड़ रहा होता है, उसके जहन में पता नहीं क्या क्या चीज़ें आती हैं। अच्छा शफी भाई, ये बताइए क्रिकेट इतने अरसे से खेल रहे हैं, अच्छा दौर और बुरा दौर आपने दोनों देखा, जब लोग आपकी तारीफ करते करते बुराइयाँ करने लगते हैं और तंजो तंज के तीर बरसाने लगते हैं, वो वक्त भी आपने देखा? जी बिल्कुल, जब आप अच्छा खेलोगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे और जब आपसे गेम नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो आपको सपोर्ट करते करते फिर थक जाते हैं, यानी कि तंग आ जाते हैं, वो फिर आपकी बुराइयां स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, आप अभी भी आप सोशल मीडिया की जीनत हैं, लाजमी बात है, क्रिकेट खेल रहे हैं, अपने लिए जो बैड कॉमेंट्स आते हैं उन कॉमेंट्स के बारे में क्या जवाब देंगे? बिल्कुल, ये हर इंसान की अपनी एक सोच होती है। देखो, जो हमें सपोर्ट करते हैं वो हमें अच्छे कमेंट्स भी करते हैं और जो हमें सपोर्ट नहीं करते वो बुरे कमेंट्स करते हैं। अगर हम ये बुरे कमेंट्स देख के इस पे सोचने लग जाए तो हमारी क्रिकेट तो ख़त्म हो जाएगी। एक चीज़ और कि बुरे टाइम पे आपको यारों दोस्तों का भी पता चल जाता है कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ है। अच्छे वक्त पे तो हर कोई आके आपको आपका साथ भी देगा और आपसे दोस्ती भी रखेगा, लेकिन पूरे टाइम में अच्छे दोस्तों का पता चल जाता है। अच्छा शफी भाई, एक और बात साथ साथ पूछता चलूँगा आपसे कि इतने अरसे क्रिकेट खेली, सबसे ज़्यादा क्राउड पूरे पाकिस्तान में कहाँ था? मातली में। बड़ा बेहतरीन जवाब दिया, यकीन करें मैं समझ रहा था कि जवाब नहीं देंगे, मगर यहाँ पर बेशक मातली। हाजी सावन जी बिल्कुल, उसके फाइनल में बहुत ज़्यादा क्राउड था, मतलब पूरे पूरे पाकिस्तान में अगर कहा जाए। पूरे पाकिस्तान में, उसमें यार इतना बड़ा ग्राउंड था, उसमें बैठने के लिए जगह ही नहीं थी, लोग छतों पे बैठ के मैच देख रहे होते थे, उसके बाद भी जगह नहीं मिल रही थी उनको। वसीम ही मेरे साथ आ गए। वसीम, हाजी सावन मातली वाले फाइनल में आप भी मौजूद थे, क्या वहां पर देखा आपने, कैसा मंजर था? यार वहां पे हमारा फाइनल था हाजी साहब के साथ और हम यहाँ से कराची से गए थे और तकरीबन यार बहुत बड़ा ग्राउंड था और हमें घंटे से ऊपर से खाली गाड़ी पार्क करने लगा वहाँ। आप किस टीम की तरफ से गए थे? हम जहीद निजामानी की तरफ से, जो कमेटी थी उन्हीं की तरफ से गए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, वसीम ने भी यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। ये 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 जी वसीम भाई, आपने क्रिकेट का आगाज कब किया, साथ ही साथ आप भी आ गए तो मैं आपसे भी पूछता चलूंगा। यार पहले हम तो वैसे मोहल्ले में नॉर्मल क्रिकेट खेलते थे, पर मेरे क्रिकेट में एक उस्ताद है, सईद अकबर नाम है उसका, वही मुझे क्रिकेट में आगे लेकर आए। पहले मैंने स्टार्ट लिया था अक्का कराची से, अक्का कराची में थोड़ा बहुत खेले, मैंने नाम थोड़ा सा बनाया। मैं ज़्यादातर खेलूँ विक्की भाई मॉडल की टीम से, फिर काफ़ी मुख्तलिफ टीम औरों से भी खेलूँ। और अब पक्का पक्का जुड़ गए वन टेन स्पोर्ट्स के साथ, जीना मरना वन टेन के साथ है। जी जनाब, यहाँ पर कह दिया है जीना मरना वन टेन के साथ है। शफी ने भी ये कहा है अब मैं सिर्फ वन टेन की स्पोर्ट्स की जानिब से खेलूंगा, मगर ये बात हरफ़ आखिर नहीं है। शफी भाई ऐसा ही है ना? नहीं नहीं, अभी जब तक वन टेन है यार, तक हम है, तो एक बात मैं बताऊं। जी वसीम भाई, बात ये ना कि जिंदगी में इंसान के ऊपर जो है ना अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं,
क्रिकेट में भी मेरे ऊपर बड़ा बैड टाइम आया, जहाँ पे पूरी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ा, जब ने सब ने मेरे से हाथ हटाया तो अल्लाह पाक ने मेरे ज़िंदगी में हानी भाई को फरिश्ता बना के भेजा है, और उसको जो है ना मैं मरते दम तक इंशाल्लाह ताला पठानों में नहीं छोड़ सकता। यार ये वसीम ने एक ऐसी बात कर दी जो क्रिकेट से बिल्कुल हट गए। शफी इस बात की दाद देनी पड़ेगी, वसीम ने बरमला कहा कि ऐसे वक्त में जब मेरा साथ सब ने छोड़ दिया था, हानी ने मेरा हाथ पकड़ा, तो ये बड़ी बात है यार। कॉन्ग्रेचुलेशन, और वसीम आपको भी यार इस बात की मैं दाद देता हूँ कि आपने ये बात बरमला कही। मैं तो सबको बोलता हूँ कि जो है ना हानी भाई जैसे इंसान, अल्लाह पाक उसको लंबी उम्र दे। मैं तो एक कसम खुदा की ये बोलता हूँ कि अल्लाह पाक हमारी उम्र भी उसको वो लगा दे। यार बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, यकीनन आपने कुछ कहा है तो यकीनी बात कोई बात होगी, लाजमी बात है। बेस्ट इनिंग शफी कौन सी थी अब तक की बेस्ट इनिंग? देखिए बहुत सारी होंगी, हमने भी बहुत सारी देखी, आपकी कौन सी बेस्ट इनिंग थी जो आपने खेली और वो आपको यकीनी तौर पर तादेर याद रही? जी बिल्कुल याद तो होती रहती है। हम लोग गए हुए थे खैरपुर मीरस जी, सट्टे का मैच था, उस टाइम इतना नाम नहीं था मेरा, तो मुझे हाजी साहब ने बुलाया हुआ था, हाजी सत्तार मैं बताता चलूं, उनका मैच था किसी खैरपुर के उससे स्पॉन्सर से था, उन्होंने तकरीबन ये जो बिलाल लेफ्टी अशका उसके बाद ये मतलब किड्स की जो टीम थी और अपनी अलफीज स्पोर्ट्स थी, ये सारे लड़के मुखालिफ थे, सिर्फ मैं और अकनवाज यहाँ से हाजी साहब की तरफ से थे कराची से, तो उसमें हमें टारगेट मिला था 130 से ऊपर था 10 ओवर में, तो हमारे साथ एक बैट्समैन था मंसूर मलिक, यानी कि हमारी पूरी टीम ये बोलती थी कि मंसूर मलिक ही है बस, उसके बाद मतलब मंसूर मलिक के बाद सारे मतलब वो बोल रहे थे कि सारे मतलब सारे फारिग नहीं, फारिग नहीं मतलब यानी कि इतने अच्छे नहीं है, सिर्फ वो एक ही अच्छा है, तो वो पहली बॉल पे आउट हो गए थे। उसके बाद मैं बैटिंग पे गया था तो मैंने मतलब यानी कि 10 या 12 बॉले के लिए, तो मैंने अगर 10 बॉले के लिए तो 9 छक्के मारे और उसके बाद मैं आउट हो गया था। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी इनिंग थी और अच्छे बॉलरों के ख़िलाफ़ थी। तो उसकी कोई ख़ास बात क्या थी उस इनिंग की? वो जगह बहुत मुश्किल थी, यानी कि खेलने के लिए वो जगह मुश्किल थी और मैंने वहाँ पर बहुत अच्छा खेला, सामने बॉलर भी मुश्किल थे। जी जी, उसमें यानी कि हमारे कराची के उस्ताद सईद अकबर थे उस टाइम, वो सलमान सल्लू थे और बॉलर अच्छे अच्छे बॉलर थे। अच्छा जी, ये नाम ही भूल गए, वसीम भाई से पूछ रहे हैं, वसीम भाई आप ही बता दें इनको नाम ही याद नहीं है। अवैस करनी थे और वो अलफीज में खेलता था यार, वो सलाउद्दीन नहीं दूसरा जो था यार, नबील खालिद बिल्कुल, वो मेरे फेवरेट बॉलरों में से भी थे, लेकिन वो फर्स्ट टाइम मेरे सामने आए तो उसको भी मैंने छक्के करा दिए। रौला के बारे में क्या कहेंगे? एक प्लेयर होता था आप लोगों के साथ का रौला, वसीम भाई रौला के बारे में क्या कहेंगे? किंग, एक जुमला कहा कि यार वो ऐसे बैट्समैन का जब स्कोर हमें टारगेट एक मिलता था, यकीन करे स्टील टाउन हम लोग खेलने गए हुए थे सीरीज खेलने, 94 रन का टारगेट 4 ओवर, हाँ जुमे का दिन ग्रीन शलवार कमीज जी बिल्कुल, उसमें उसने कहा था कि यार सिर्फ 4 ओवर में 15 ही छक्के मारने थे, ये सिर्फ हमने बोला कि 15 छक्के मारने भी पड़ते, सिर्फ बोलना नहीं होता है, तो यकीन करे उन्होंने उल्टी गिनती स्टार्ट की थी, मतलब 15 से स्टार्ट लिया और एक एक पे आके उसने ख़त्म कर दिया और स्कोर चेस कर दिया था। ये नहीं कि बॉलर वहाँ पर यानी कि लोकल थे, बिल्कुल चांडियो उबैद मंगी, वो अच्छा बॉलर हुआ था उस टाइम। उसके लिए मैं बताऊँ ना, लांडी में नेशनल ग्राउंड है दानियल भाई, वहाँ पे ऐसा ग्राउंड है ट्रफ विकेट है, 5 ओवर में अगर आपने 28 रन बनाए ना तो मेरे हिसाब से आप 8 रन से मैच जीत जाओगे वहाँ पे, वो ऐसा ग्राउंड था वहाँ पे, बिल्कुल कुरतरा विकेट थी, और वो रौला ऐसा प्लेयर था उसी विकेट को उसने मेरे सामने अपने 100 मारे उसने। अगर रौला आज की क्रिकेट में होता तो वसीम भाई क्या वो नंबर 1 प्लेयर होता? बिल्कुल नंबर 1, उसके जैसा प्लेयर ही नहीं था, पर उसने क्रिकेट को सीरियस लिया नहीं। बिल्कुल। अच्छा वसीम भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, मौके की मुनासबत से पूछूंगा, वसीम भाई कराची टेप बॉल क्रिकेट में अगर नंबर 1 प्लेयर आपको बताया जाए बल्लेबाज तो किसको कहेंगे? असद शाह। बिल्कुल वही भी, असद शाह इस वक्त जान बने हुए कराची क्रिकेट के जनाब, और यहाँ पर शफी आगा ने भी उन्हीं का नाम लिया। यकीनी तौर पर ये बड़ी बात होती है किसी भी प्लेयर के लिए, उसकी पीठ पीछे अगर उसके बारे में ये बात की जाए। बिल्कुल, असद शाह और बहादुर लेफ्टी इस टाइम पे कराची के मतलब अच्छे बैट्समैनों में उनके नाम आते हैं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल शफी भाई ये पूछूंगा साथ साथ कि अगर आपको
कैटेगराइज किया जाए कि टूर्नामेंटों में पाकिस्तान में जितने टूर्नामेंट होते हैं कैटेगराइज किया जाए तो कौन सा टूर्नामेंट कौन से नंबर पे आता है ये जरूर बताइएगा कराची से मिला के पूरे पाकिस्तान तक। कराची में तो आपको भी पता है और हमें भी पता है BSL जो होता है वो एक अच्छा टूर्नामेंट है, उसके बाद दीपालपुर का है DPL वो बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है, MPL लाहौर का है वो बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है। MPL की इनिंग शायद आपको याद होगी। जी बिल्कुल, वो वजी भाई की तरफ से आपने और बहादुर ने तबाही मचाई हुई थी। जी बिल्कुल, लेकिन वो इवेंट बहुत जबरदस्त है। अच्छा शफी भाई, एक खास बात ये भी पूछूंगा मैं आपसे कि आपने इतना अर्सा क्रिकेट खेली, कभी ऐसा होता है कि स्पॉन्सर बात पैसों की कुछ और करते हैं, हारने के बाद मुंह बन जाते हैं, पैसे कम मिलते हैं, ऐसा हुआ? यार इस तरह तो होता रहता है, देखो किसी में हार बर्दाश्त होती है, किसी स्पॉन्सर में नहीं होती है। तो अक्सर ऐसे होता है कि मतलब अगर स्पॉन्सर हार जाता है तो वो मुंह बना लेता है, पैसे वैसे तो वो काटते नहीं है, जो बात होती है वो पूरे दे देता है, लेकिन किसी को हार बर्दाश्त होती है और किसी को नहीं। वसीम भाई, कौन से ऐसे हानी भाई को छोड़ के 110 से पहले कौन सा ऐसा स्पॉन्सर था जिसके साथ आपको खेलते हुए बड़ा भरपूर मजा आया? विक्की भाई के साथ। विक्की भाई के साथ, चले जी विक्की भाई का नाम ले लिया यहाँ पे। शफी आपसे भी यही सवाल करूंगा कि इसके साथ ज्यादा खेलते हुए मजा आया? इमरान नजीर। इमरान नजीर के साथ। आप दोनों से एक सवाल है, पूरे कराची में अगर कहा जाए कि कौन सी विकेट सबसे ज्यादा तेज है टेप बॉल के लिए तो किसका नाम लेंगे, कौन से ग्राउंड का नाम लेंगे? मंडी, सब्जी मंडी जी। आप बताएं यार, कराची में यार में बात ये है कि काफी सारी विकेट ऐसी है ना जो बॉलर्स की नहीं भी है। अगर मैं आप लोगों के साथ अगर सपोर्ट करूं, यहाँ पर शिदादी भाई भी मौजूद हैं, उनका व्यू भी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे साथ साथ। शिदादी भाई, इन दोनों ने तो जवाब सही नहीं दिया कि कौन सी विकेट तेज है। शिदादी भाई से पूछ, शिदादी भाई कराची में तेज विकेट कौन सी है? यार अगर इन्होंने जो जवाब दिया आपने सुन लिया इनको, वो बिल्कुल गलत है जवाब मेरे ख्याल से। अगर जानाल भाई मैं गलत नहीं हूं तो अल बैरूनी है बल्दिया में। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसलिए कहते हैं एक लोहार की और 100 सुनार की कोई जवाब ही नहीं दिया। तो भाई शफी भाई ये देखे, उस्ताद फिर उस्ताद होते हैं, यहाँ पर उस्ताद ने क्या कहा सुना आपने, अब याद आ गया। बिल्कुल, अल बैरूनी की विकेट बहुत तेज भी है और तो आपको क्यों नहीं याद आ रहा था? वो जहन में नहीं आई थी, उस्ताद उस्ताद है ना। फिर बहुत पहले उस पे खेला हूँ उस विकेट पे, उसके बाद मतलब यानी कि अरसा हुआ है उस विकेट को। यार शहजादी की तो तारीफ करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, शहजाद भाई तो हमारे उस्ताद है, ये सभी की तारीफ नहीं करेंगे तो किसकी तारीफ करेंगे। अल बैरूनी कार ये बड़ी बात है, एक ऐसी विकेट, उससे ज्यादा तेज विकेट मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि कोई तेज विकेट हो। बिल्कुल, वो बहुत तेज विकेट। उसके बाद अगर मैं नंबर दूंगा तो शायद खोपरा पार में ग्राउंड था खोकर ग्राउंड, जी उसकी भी विकेट, उसकी भी बड़ी तेज विकेट। लेकिन मंडी में जो टूर्नामेंट होता है सब्जी मंडी के अंदर, उसकी भी विकेट बहुत तेज है। वो तो गली है यार शफी भाई।